हाय, दिस इज मनीष शर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल. सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि 11,600 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, और बैंक निफ्टी में मैंने आपको लास्ट दो तीन वीडियो से क्लियरली बताया हुआ कि 23,200 तक के टारगेट पॉसिबल है और 23,500 तक भी यह जा सकता है. आपने अगर मेरा लास्ट दो तीन दिन का वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लो, तो आपको कंटिन्यूएशन में समझ में आएगा कि मैंने क्या लॉजिक से इंडेक्स के टारगेट दिए हैं. तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट मेरे टारगेट पे अचीव हो चुका है. बैंक निफ्टी भी 23,500 एंड 11,600 मैंने आपको टारगेट दिया था निफ्टी का. अब एनालिसिस करते हैं आने वाले दिनों में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है. तो निफ्टी का चार्ट मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा और मैंने दो रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं. पहला रेजिस्टेंस ये है 11,650-700 के अराउंड आ रहा है ये, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो ये गैप रेजिस्टेंस है. आप देख सकते हो यहाँ पर एक छोटा सा गैप है, सकते हो ये आता है 12,050 के अराउंड. सो ये दो अब मेजर रेजिस्टेंस होंगे. अगर 11,650 क्रॉस कर लेता है 12,000 तक के टारगेट्स भी पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन 12,000 के आसपास वापस एक रेजिस्टेंस जरूर है. सो इसलिए मैंने दो लाइन ड्रॉ की है. अब देखना पड़ेगा कि पहला रेजिस्टेंस क्रॉस करता है या नहीं करता. अगर पहला करता है तो दूसरा करेगा या नहीं करेगा. अभी फिलहाल थोड़ा सा व्यू कॉशियस होगा. 11,650 अगर क्रॉस कर लेता है तो और 200-300 पॉइंट का रैली में देखने को मिल सकता है. 12,000 तक के पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं निफ्टी में. अब एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी मैंने आपको क्लियरली टारगेट दिया 23,500 तक की. बैंक निफ्टी मुझे यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव लग रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी. अगर आपने ऑब्जर्व किया तो लास्ट दो तीन दिन से बैंक निफ्टी में ज्यादा रैली हो रही है एज कम्पेयर टू निफ्टी. बैंक निफ्टी का टारगेट पॉसिबल आता है 25,000 के अराउंड. आप देख सकते हो वहीं पे रेजिस्टेंस है, ये गैप रेजिस्टेंस है. सो 25,000 तक जा सकता है बैंक निफ्टी. लेकिन अगर निफ्टी 11,650 क्रॉस करता है तो अगर निफ्टी रेजिस्टेंस ले लेगा तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं एक सप्लाई में देखने को मिल सकती है. तो निफ्टी के ऊपर डिपेंड है. अगर निफ्टी 11,650 क्रॉस करता है तो बैंक निफ्टी भी कंटिन्यूएशन कर सकता है. 25,000 तक के टारगेट्स बैंक निफ्टी में भी आ सकते हैं. ये था एनालिसिस इंडेक्स का. अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स. मैंने आपको लास्ट वीडियो में IGL बाय दिया था. बायोन डिप्स दिया था 406 के अराउंड. सो इसमें जो बाय लेवल था वो ट्रिगर नहीं हुआ है. कोल इंडिया मैंने आपको बाय दिया था. इसमें आपको डेफिनेटली इंट्राडे में थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया होगा क्योंकि मैंने 141 के ऊपर बाय दिया था और 144 तक जाके आया. इसमें आपको इंट्राडे में काफी अच्छा पैसा आया होगा. एंड मैंने SRF सेल दिया था. SRF में आपको इंट्राडे में काफी अच्छा पैसा आया होगा. अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ कि आपने ये ट्रेड किया, ये ट्रेड में आपने प्रॉफिट कमाया है. और आपने एक बात ऑब्जर्व किया होगा लास्ट तीन चार दिन से, या तो मेरे लेवल ट्रिगर ही नहीं हो रहे, अगर ट्रिगर हो रहे हैं तो प्रॉफिट आ रहा है. आई होप आपको कंसिस्टेंसी मिल रहा होगा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स का. आई होप आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट भी कमा रहे हो. तो चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर करना अगर आपको कंसिस्टेंटली पैसा आ रहा है. आप डिस्कस करते हैं कल के सेशन में कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना है. तो सबसे पहला स्टॉक होगा हैवेल्स. हैवेल्स अगर आप देखो इसने क्लीन एंड क्लियर ब्रेकआउट जरूर दिया है, लेकिन उसके बाद इसने जो कैंडल बनाया है, ये जो रेड कैंडल बनाया है, इसके बारे में कम्प्लीटली एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू आइडेंटिफाई फॉल्स ब्रेकआउट. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो ध्यान से देख लेना वीडियो, तो आपको समझ में आएगा. नेक्स्ट स्टॉक होगा बंधन बैंक. बंधन बैंक अगर आप देखो एक बड़ा फॉल आया था और उसके बाद अगर आप देखो यहाँ से एक राउंडिंग फॉर्मेशन हो रहा है, और मुझे लगता है एक्सपायरी की वजह से इसमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने को मिल सकती है. और 300 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है. 300 क्रॉस करता है तो एक 7-8 रुपए का अपमूव हमें देखने को मिल सकता है प्योरली बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग. तो बंधन बैंक काफी अच्छा बाय रहेगा. कौन से लेवल पे बाय करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा. लास्ट स्टॉक होगा बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज. बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज में एक क्लासिकल पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट पैटर्न. अगर आप यहाँ से बायर स्ट्रांग थे, फिर वापस बायर स्ट्रांग हुए और अब सेलर यहाँ पर नीचे ही नहीं लेके आ पा रहे इसको, और एक फ्रेश ब्रेकआउट. सो आप देख सकते हो एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज में. और राउंड ऑफ नंबर भी है 1400. अगर 1400 के ऊपर क्रॉस करता है 25-30 रुपए का अपमूव हमें देखने को मिल सकता है. सो बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज काफी अच्छा बाय रहेगा. कौन से लेवल पे बाय करना मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा. बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज का पैटर्न एंड स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है लॉन्ग के लिए. आज के लिए वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना. थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो. सी इन द नेक्स्ट वीडियो.